कि बाहर से पूंजी आएगी, निवेश होगा और देश का विकास होगा, पब्लिक सेक्टर से देश का विकास नहीं होगा। मैं अभी कल पेपर में पढ़ रहा था, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी है ब्रिटेन की, के एन एनर्जी करके कंपनी है। अब से लगभग 7 या 8 साल पहले बड़ा शोर हुआ था कि ब्रिटेन की के एन एनर्जी कंपनी हमारे यहाँ आ रही है, वो इतना तेल निकालेगी कि हमें यहाँ खाड़ी देशों से तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कंपनी को लाइसेंस मिले और उस कंपनी ने यहाँ तेल की खोज की, उसने 5-6 कुएं हमारे राजस्थान में कहीं खोदे, जो हमारी कुल मतलब जितनी तेल की खपत है, जितनी आवश्यकता है, उसका लगभग 0.5% वो ढूंढ पाए होते। वो कंपनी, उसने लगभग 4 या 5 साल काम किया, उसने एक पैसा भारत सरकार को टैक्स के रूप में नहीं दिया। जो टैक्स यहाँ लगते हैं, वैट है या दूसरे अदर टैक्स है, उसमें उसने एक पैसा नहीं दिया। उस पर लगातार ड्यू होते होते हमारा भारत सरकार का 10,427 करोड़ रुपए उस पर टैक्स का रूप में हो गया। जब उसने टैक्स नहीं दिया तो भारत सरकार ने उसके कुछ शेयर देके और अपनी टैक्सी वसूली कर ली। चलाएंगे 5-6 तारीख से, लेकिन टिकट वही मिनिमम रेट जो उन्होंने निर्धारित कर दिया 30 रुपए ही रहेगा। साथियों, इनके कहने कथनी और करनी में कितना अंतर है ये तो आप सब अवगत हैं। आज धरने का 18वां दिन है। धरने पे अधिकारी वर्ग से अमनदीप जी और कर्मचारी वर्ग से दीपक कुमार, आलोक कुमार और विदेश, ये 4 लोग आज धरने पे बैठे थे। साथियों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, एकजुटता में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों को विजय जरूर मिलेगी। एक बहुत खुशी की बात और है कि इस साल जो अभी कल 31 मार्च खत्म हुआ, कोरोना काल के समय भी हम लोग, जो हमारा एक लक्ष्य था कि हम 300 करोड़ उसके आसपास 295.9 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किए, ये है विदाउट जीएसटी, और इस जीएसटी हमारा 337 करोड़ का लक्ष्य। ये पिछले मार्च में कोरोना काल लगा और अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद ये सारी व्यवस्थाएं, उस दौरान एक वर्चुअल मीटिंग यूनियन और मैनेजमेंट ऑफिसर एसोसिएशन के साथ हुई थी, तो बहुत सारी बातें मैनेजमेंट ने उस टाइम कहा था।